हेलो दोस्तों, अभी मार्केट गिरने के वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है दोस्तों, निफ्टी भी काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन क्या आप जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो क्या आपने कोई लिस्ट बनाया है कि सबसे पहले मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा जिससे मुझे इसमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, या आपने बस दो चार ऐसे शेयर हैं जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं या अपना आँख गड़ाए हुए हैं कि नहीं मुझे ये खरीदना है तो ये खरीदना, नहीं ये है मेरे पोर्टफोलियो में तो ये खरीदूंगा। क्या आपने कोई ऐसा लिस्ट बनाया है जैसे मार्केट बाउंस बैक मारना स्टार्ट करेगा और मतलब आप दम भर खरीदना स्टार्ट करोगे, एक भी मौका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो मार्केट में आपको धड़ 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 गिरावट देखी जा रही है ना, ये गिरावट आपके हो सकता है कि लाइफ में दोबारा ना आए, और इस गिरावट को आप मतलब एज ए एडवांटेज आपको लेना चाहिए दोस्तों, और आप अच्छा से अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चुनिंदा स्टॉक के नाम मैं आपको बताना जा रहा हूं दोस्तों, ये इस गिरते हुए मार्केट में अगर हिम्मत है तो दोस्तों आप अच्छा से अच्छा पैसा बना लोगे। ठीक है, तो दोस्तों लिस्ट में पहला नाम आ रहा है दोस्तों शोभा कंपनी का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों शोभा लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी क्या कामकाज करती है वो मैं सबसे पहले कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज़्यादा आगे है दोस्तों, मतलब जो अच्छे से अच्छी कंपनी है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसका जो प्राइस देख लेते हैं दोस्तों, 180 के प्राइस में मिल सकता है दोस्तों। ये आपका पैसा कम से कम तो 70% के आसपास ये आपको रिटर्न दे सकता है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है दोस्तों, 70% के आसपास रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को खरीदो जो आपको तगड़ा रिटर्न दे और अच्छा से अच्छा रिटर्न दे भाई। तो देख लो सबसे जो कंपनी है उसका नाम है शोभा। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों कंपनी के हालचाल के बारे में, तो कंपनी में देख लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, एक ही नेगेटिव पॉइंट आपको दिख रहा है, वो भी क्या है दोस्तों, डिविडेंड प्रॉब्लम। ठीक है, मानता हूं कि डिविडेंड नहीं दिया कंपनी ने और अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो तो अलग ही है, लेकिन दोस्तों कंपनी में एंट्री पॉइंट देख लेते हैं, क्या अगर इस टाइम में हम एंट्री कर लेते हैं तो क्या वो सही है। तो हाँ दोस्तों, गुड टाइम टू कंसिडर एज द स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। ठीक है, यहां पर देख सकते हो दोस्तों ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है आपको एंट्री लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों गिरते मार्केट में ऐसे स्टॉक को खरीदना बहुत बहुत अच्छा होगा भाई। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसी प्राइस पर खरीद लेना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मार्केट करेक्शन होना स्टार्ट है, ठीक है, वैसे बाउंस बैक लेना स्टार्ट करेगा, तो आपको ऐसे ऐसे कंपनी में आपको नज़र गड़ा के रखना है जिसमें आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न हो। आपको पता चला कि दोस्तों मार्केट ने बॉटम बना दिया, बॉटम बनाने के बाद मार्केट बाउंस बैक लेते जा रहा है। ठीक है, ये देखिए मतलब धड़ 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 अपर सर्किट मारते जा रहा, और आपने कोई लिस्ट बनाया ही नहीं, आपके आंख के सामने जो कंपनी आ रहा है हाँ ये खरीद लो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके सामने जो भी कंपनी आ रहा है ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ऐसे करने से नहीं होगा। तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर हुआ ही नहीं, डायरेक्ट मैंने एग्जाम हॉल में गया और बस पेपर मेरे सामने जब आया तो मैं कंफ्यूज हो गया और कुछ भी नहीं लिख पाया, जो याद था जो मैंने पढ़ा था वो भी भूल गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं लिस्ट बनाओ, लिस्ट एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ठीक है, और दूसरा जो स्टॉक है वो आपके सामने बोल रहा हूं दोस्तों, मदरसन सुमी, ये बहुत बहुत डाउन में आपको मिल रहा है भाई। मैं बोल रहा हूं मदरसन सुमी कंपनी को कौन नहीं जानता, मुझे तो इसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सब लोगों को मदरसन सुमी के बारे में पता है। और ये जो स्टॉक है दोस्तों मदरसन सुमी, 140 रुपीज़ का हाईएस्ट मारा, उसके बाद ये आपको केवल 60 रुपीज़ में मिल रहा है दोस्तों, 60 रुपीज़ में, मतलब कि ये आपको मोर देन 50% डिस्काउंट में मिल रहा है दोस्तों, 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। और ये क्यों, क्योंकि दोस्तों मार्केट ने क्या मारा है दोस्तों, डाउन सर्किट मारा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वक्त में आपको ऐसे कंपनी पर ध्यान देना चाहिए जो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और जो तीसरा दोस्तों लिस्ट में आता है वो है HDFC। HDFC दोस्तों आपको पता है हाउसिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी का काम क्या है, ये लोन देती है घर बनाने के लिए। ठीक है, और अभी के डेट में आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है, जिसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि परेशानी खुद पर खुद खड़ा हो जा रहा है। तो जैसे ही दोस्तों ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, HDFC फाइनेंस मतलब कि दोस्तों ऐसे कंपनी में बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ आपको नजर आएगी। हाँ, आज देखिए दोस्तों निफ्टी जो है 500+ गया था। ठीक है, लेकिन इसमें देख लीजिए 136 रुपीज़ का अपर सर्किट देखा गया, अराउंड 9% से भी 9% के आसपास। तो देखिए अगर थोड़ा बहुत तेजी आता है मार्केट में तो ये 9% का अपर सर्किट लगा सकता है दोस्तों। HDFC का जो 52 वीक हाई है वो दोस्तों 2500 के आसपास है, 2500 के आसपास। आज के डेट में आपको कितना में मिल रहा है दोस्तों, केवल 1700 के आसपास मिला। ठीक है, ये तो दोस्तों 1600 भी चला गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख लो 136 रुपीज़ का हाईएस्ट मारा है। तो देखो मार्केट अगर गिरता है भाई तो नज़र अपना ध्यान
इधर उधर मत करो, अगर ध्यान भटका दोगे तो एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, जो याद रहेगा वो भी भूल जाओगे। तो ऐसी कंपनी पे भाई अपना ध्यान रखो, HDFC मैं बोल रहा हूँ, मार्केट जैसे ही सुधरना स्टार्ट होगा, बाउंस बैक लेना स्टार्ट होगा, देखो मैं अभी की कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं, मार्केट जब बाउंस बैक लेना स्टार्ट करेगा, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये तो हाफ ऑफ द लिस्ट है, मतलब कि ये आधा लिस्ट है, मतलब ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये लिस्ट का मतलब 20% भी नहीं है, ठीक है, ये 20% भी नहीं है दोस्तों, अभी तो आधा लिस्ट रेडी हुआ है और इससे भी ज़्यादा जो है रेडी हो रहा है, क्योंकि देखो मार्केट गिर रहा है, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन मार्केट गिरने की वजह से नुकसान भी हो रहा है, लेकिन ये भी तो पता है कि मार्केट जब बाउंस बैक लेना स्टार्ट करेगा तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे के जाएगा, तो क्या हम वो बाउंस बैक के लिए रेडी हैं कि नहीं रेडी है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसी कैसी कंपनी को आपको खरीदना चाहिए, ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी प्राइस पे आप खरीद लो भाई चाहे जो भी, ठीक है, तो ये वो कंपनी है HDFC जिस पे आपको ध्यान रखना है खरीदने के लिए, नजर गड़ाए रखना है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा भी इधर 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 मत कीजिएगा, खरीद लीजिएगा, दम भर खरीदे, ये मैं बोल रहा हूँ, एक भी मौका छूटना ना पाए, एक भी शेयर छूटना ना पाए, एक भी मौका और एक भी शेयर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, जितना दम हो रहा है जितना दम पकड़ के खरीद लो भाई, खरीद लो खरीद लो, ठीक है, ये कंपनी तो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे ही देगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों हिंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को ने भी बहुत ज़बरदस्त का गिरावट हुआ है दोस्तों, ये कंपनी ने भी बहुत अच्छा हाईएस्ट मारा था, तो ये है दोस्तों लास्ट में आपको जो अभी छोटा सा लिस्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ये है हिंडाल्को, ठीक है, ये कंपनी का काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कंपनी दोस्तों स्टील, कॉपर, तांबा ये सब जो है बनाती है, ठीक है, और उसके अंदर दोस्तों स्टील को फोल्ड करने का भी इसका काम है, मेन काम वो भी है, ठीक है, तो ये कंपनी दोस्तों आप देख लीजिए लोअर सर्किट जो मारा है 98 रुपीज़ का, मतलब कि बिलो 100 चला जा चुका, ठीक है, और कंपनी का जो दोस्तों हाईएस्ट है 221 रुपीज़ है, ठीक है, 221, अगर इसको हम देखते हैं दोस्तों 50, तो मोर मतलब ये हमें मिल रहा है दोस्तों केवल 45% के आसपास, ठीक है, केवल 45% के आसपास, बिलो 100, अगर बिलो 100 जाता है तो बिलो 100 हमें कितना मिलता है 45% के आसपास, ठीक है, तो ऐसी कंपनी देखिए, मैं आपको ये कंपनी क्यों खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, वजह भी है, बहुत बड़ी वजह, ठीक है, अभी आपको पता है कि कोरोना की वजह से भारत का कितना अर्थव्यवस्था नीचे गिर चुका है दोस्तों, पूरा बॉटम बना लिया बॉटम, और पता नहीं और कितना ऐसे बॉटम बनाते जाएगा, ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए दोस्तों, ऐसी जो कंपनी है आने वाले समय में दोस्तों भारत को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितने भी बिजनेस हैं उनको ग्रोथ होने में, स्टार्ट होने में, स्किलअप होने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि दोस्तों जितनी स्पीड से नीचे गिरा है उतना स्पीड से ही ग्रो होगा, क्योंकि दोस्तों लॉस हो रहा है, ठीक है, वही रफ्तार से, लेकिन जब दोस्तों लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर देना स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा, आपको पता है स्टील बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इससे क्या नहीं बनाया जाता दोस्तों, आसमान में देख लो, हवाई जहाज से लेके जमीन पे देख लो, ट्रेन, इतनी लंबी लंबी चीज, तो ऐसी कंपनी पे आपको फोकस रखना चाहिए जो मोर देन 50% के आसपास गिरा हुआ है, और देख लीजिए कंपनी में थोड़ी बहुत ग्रोथ भी आ जाती है दोस्तों, जब मार्केट में आपको ये देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं दोस्तों, रिकवरी देखने को मिलता है, तो ये एक छोटा सा लिस्ट था जिस पे आपको थोड़ा नज़र रखना है, और ऊपर से आपको खुद से स्टडी करना, उसके बाद कोई एक्शन लेना, ठीक है, आपको खुद से स्टडी करना है और एक्शन लेना, बिना देखे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो बताया तो वही खरीदना, ठीक है दोस्तों, और भी बहुत बड़े लिस्ट है, सबके बारे में बताने में टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन आप भी अपना ध्यान लगाए रखिएगा, लॉस हो रहा है लेकिन आप ऐसे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, एडवांटेज लीजिए जहाँ पर आपको अच्छा से अच्छा ग्रोथ मिलेगा, ठीक है, तो अगर आपको ये लिस्ट अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो मैं आपको और लाके दूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें भी आपको लिस्ट बताया जाएगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है वो वीडियो आपसे मिस हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।